हेलो। जो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का विज्ञान का त्रैमासिक परिचय का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र भाग। मनुष्य में दांतों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, कितने? 4। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम घटपर्णी है। स्वयं मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन। उदासीनीय अभिक्रिया में लवण और पानी बनता है। क्या बनता है? लवण और पानी। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। अमीबा अपने भोजन का पाचन राजधानी में करता है। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। जल के गर्म करने पर उष्मा स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर बताना है, देख लेंगे। परजीवी मृतजीवी में अंतर क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? सिरका, दही और पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। ये 14वां प्रश्न है। ये 14वां और 15वां प्रश्न हम देख लेंगे। ये हमारा 16वां है। 17वां अमीबा का नामांकित चित्र अथवा का है। दीर्घ्राम क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये 19वां है। 20वां ये 21वां प्रश्न है। ये लास्ट देख लेंगे 22वां प्रश्न।